हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। राजस्थान प्रदेश में कब से स्कूल ओपन हो सकती है और साथ ही मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्यों में स्कूल ओपन हो चुकी है या स्कूल ओपन होने वाली है, ये सभी जो है यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें। जिस तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर जो प्रक्रिया है काफी तेज हो चुकी है, रोजाना अपडेट सामने आ रही है स्कूल खुलने को लेकर। यहां पर सरकार का भी अपडेट सामने आया है, इसके अलावा शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है, तो सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से राज्य में स्कूल खुल रहा है राजस्थान के अलावा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, गुजरात के अंदर 15 जुलाई से स्कूल ओपन हो रही है। वहीं मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में 16 जुलाई से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूल ओपन होंगी। वहीं 23 जुलाई से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में भी अब स्कूल खुलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप सभी को पता है कोविड 19 का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ चुका है, बहुत कम कोविड के केस आ रहे हैं, इसको देखते हुए जो है अब स्कूल ओपन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हरियाणा और यहां पर जो है गुजरात राज्यों ने फैसला कर लिया है कि हम स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो 15 जुलाई और 16 जुलाई से वहां पर स्कूल ओपन हो रहे हैं। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी काफी अपडेट आ रही है कि 15 जुलाई से ओपन हो सकते हैं स्कूल, तो उसको लेकर जो है प्रक्रिया तेज हो चुकी है। और यहां पर एक सर्वे भी किया गया है के द्वारा कि कितने परसेंट पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो, कितने परसेंट पेरेंट्स नहीं चाहते कि स्कूल ओपन हो। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 50% पेरेंट्स चाहते हैं कि अभी तक स्कूल ओपन नहीं हो, क्योंकि सबको वैक्सीन नहीं लगी है राजस्थान प्रदेश में और कोविड का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि अभी स्कूल नहीं ओपन हो। तो काफी पेरेंट्स यहां पर बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल स्कूल नहीं ओपन होनी चाहिए। बाकी आधे जो पेरेंट्स हैं, लगभग 50%, वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई स्कूल ओपन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई कराई जाए, स्कूल ओपन हो, बच्चे स्कूल में जाएं और अपनी पढ़ाई फिजिकल प्रेजेंट होकर करें। तो पूरा सर्वे किया गया और सर्वे के अंदर जो है ये पता लगा है कि लगभग 50% चाहते हैं स्कूल ओपन हो और 50% पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल ओपन नहीं हो। कल की काफी बड़ी अपडेट सामने आई थी स्कूल खुलने को लेकर, अभिभावक संघ अभी तक विरोध कर रहा है, जितने भी अभिभावक संघ है वो सभी विरोध कर रहे हैं कि भाई अभी स्कूल ओपन नहीं होनी चाहिए, सबको वैक्सीन लगनी चाहिए और बिल्कुल जब तक कोरोना मुक्त नहीं होगा तब तक स्कूल नहीं खुलनी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट थी राजस्थान प्रदेश की। या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अदर स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं आईआईटी जेई नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि एसएसपी परिवार ने, निजी स्कूल शिक्षा परिवार ने चेतावनी दी थी सरकार को कि अगर आप 15 जुलाई से स्कूल ओपन नहीं करते हैं तो 16 जुलाई से हम खुद स्कूल ओपन कर देंगे, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं सभी निजी स्कूल वालों की, सभी प्राइवेट स्कूल वालों की। तो यहां पर उन्होंने खुली चेतावनी दी है सरकार को कि अगर आप 15 जुलाई तक स्कूल को ओपन नहीं करते हैं तो 16 जुलाई को हम स्कूल ओपन कर देंगे। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि राजस्थान प्रदेश में भी जल्द ही स्कूल ओपन होंगे। अगर मैं आपको लास्ट सेशन में लेके जाऊं तो तब लास्ट सेशन में वापस आपके स्कूल ओपन हुए थे कोविड के बाद में, तो पहले अन्य राज्यों में हुए थे, उसके बाद राजस्थान में हुए थे, क्योंकि देखा जाता है भाई अन्य राज्यों में कैसी परिस्थितियां हैं, वहां स्कूल कैसे ओपन हुए हैं, किस गाइडलाइन के साथ में स्कूल को ओपन किया गया है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी किया जाएगा। तो फिलहाल अन्य राज्यों की बात करें तो हरियाणा और यहां पर गुजरात में स्कूल ओपन हो रहे हैं 15 और 16 जुलाई से, तो वहां पर बड़ी क्लासेस के लिए स्कूल को ओपन किया जा रहा है। तो अगर राजस्थान प्रदेश में स्कूल ओपन होते हैं तो अभी सीनियर क्लासेस के लिए ही आपके स्कूल ओपन होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान प्रदेश में लगभग कुछ दिनों से बिल्कुल कोविड के केस नहीं आए हैं, बहुत नगण्य ही केस आ रहे हैं और बिल्कुल डेथ तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि परिस्थिति अब कंट्रोल में है, सामान्य में है, तो काफी जगह पर स्कूल यहां पर ओपन हो जाएंगे जल्दी ही। अगर हम बात करें तो सीनियर क्लासेस, स्पेशली सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल जल्द ही ओपन कर दिए जाएंगे, 15 जुलाई से नहीं तो जुलाई के एंड तक तो आपके स्कूल ओपन अवश्य हो जाएंगे। वैसे खबरें तो यही आ रही है कि 15-16 जुलाई से आपके स्कूल ओपन हो सकते हैं और बहुत जल्दी ही ऑफिशियल नोटिस भी आउट होने वाला है स्कूल खुलने को लेकर, कब से आपके स्कूल खुलेंगे। स्कूल खुलने को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।